प्रिजुडाइज, अगर आपके प्रिय आपसे दूर हो जाती है तो आप लोगों को शिकायत करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कहाँ गए आप? भूल तो नहीं गए? मैं फिर से आ गई हूँ आपके क्लास में। आज से क्लास फिर से एक अलग क्लास है, क्योंकि आज मैं आपके बताने वाली हूँ कुछ वर्ड्स के ट्रिक। अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि आखिर वर्ड्स को याद कैसे करें, इसको अपने माइंड में सेटअप कैसे करें। तो डोंट वरी, मैं आ गई हूँ आपको वर्ड को चुटकियों में सॉल्व करूंगी, आपको वर्ड को चुटकियों में आपको याद दिलाऊंगी, वो भी हमेशा के लिए। मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिसे आप वो वर्ड कभी नहीं भूलोगे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी मीनिंग क्या होगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं, और आज मैं सिर्फ ओनली 10 यानी 10 वर्ड्स को अच्छे से समझते हैं, यानी कि उसके मीनिंग को समझते हैं, उसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आखिर याद कैसे किया जाता है। रटते हो टिकी बांध के, आप रटते हो इसीलिए याद नहीं होता। कॉन्सेप्ट बदलो, अपना तरीका बदलो, ठीक है, इरादा नहीं, तरीका बदलो, पढ़ने का स्टाइल बदलो, हर चीज याद रहेगा, वो भी हमेशा के लिए, ठीक है। तो मैं आपको आज वर्ड बताऊंगी जिससे यहाँ पे 10 वर्ड्स है, ठीक है। हमारा फर्स्ट वर्ड है एलियन, ठीक है। एलियन मीन्स होता है विदेशी। अब इसको याद कैसे करेंगे, प्रॉब्लम है ना। अब एलियन, एक बार ध्यान रखिएगा, जो एलियंस होते हैं ना, एलियन ध्यान से देखिएगा, एलियन इट मीन्स आलिया। आलिया भट्ट को जानते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही बोले तो फेमस हीरोइन है, तो वही एक्ट्रेस है। तो वो जो आलिया है वो कैसे दिखती है, एकदम उसके शक्ल थोड़ा गौर से देखोगे तो विदेशी की तरह दिखती है, यानी कि वो विदेशी की तरह दिखती है। वो जो आलिया वर्ड है वो कैसे दिखती है, विदेशी की तरह, ठीक है। हमारा दूसरा वर्ड है सफल, और सफल मीन्स होता है लचीला, ठीक है। सफल मीन्स होता है लचीला, और सफल को हम करेंगे चप्पल, और चप्पल तो आप पहनते होंगे ना, आपको पता है ना, चप्पल हम टाइट वाला नहीं लेते, जो लचीला होता है, यानी कि उसको मोड़ के देखते, जो मुड़ता है उसको लेते हैं, यानी कि चप्पल हमेशा लचीला लेना चाहिए, ताकि वो मतलब कि बहुत ज्यादा दिन तक टिके, जल्दी टूटे नहीं। यानी कि सफल यानी चप्पल कैसा होता है, लचीला। क्लियर है। हमारे 3 नंबर में है रिफाइंड, और रिफाइंड मीन्स होता है सुंदर, ठीक है। रिफाइंड मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल मीन्स भी सुंदर रहता है, ये इसका सिनोनिम है, यानी कि रिफाइंड मीन्स होता है सुंदर। अब यहाँ पे देखो री और फाइंड, यानी कि अगर आप किसी सुंदर इस मतलब कि सुंदर जगह या सुंदर पर्सन को ढूंढना चाहते हैं, तो बार बार ढूंढिए, एक ही बार अपनी सर्च को बंद ढूंढ के मत बंद कर दीजिए, इसको बार बार करिए, यानी रिफाइंड। फाइंड मीन्स होता है खोजना, यानी कि उसको बार बार फाइंड करिए, दोबारा खोजिए, तो आपको सुंदर जरूर मिलेगी। और वैसे भी रियली बोले तो खोजने से भगवान मिलते हैं, तो सुंदर तो लड़की हो या लड़का जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 4 नंबर में है एक्सपायर, और एक्सपायर मीन्स होता है बीत जाना, और यहाँ देखो एक्स, आप अपने आपका जो एक्स था या थी वो बीत गया है, यानी कि वो बात जो थी वो बीत गया, यानी वो एक्सपायर हो गया है। और वैसे भी जब हम पैकेज खरीदते हैं ना, पैकेट, उस पर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, मतलब कि उस डेट के बाद अगर हम सामान को खाते तो खराब है, मतलब कि वो बीत जाता है, जिस डेट में वो बनाया गया वो डेट उसका खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट खत्म है, यानी कि एक्सपायर। आपकी जो एक्स है वो आपसे छोड़ के गई, यानी कि आपको जो एक्स थी आपकी लाइफ में वो बीती हुई बात थी, वो गुजर गया, वो कल थी, आज कुछ नया करिए, ठीक है। यानी कि एक्सपायर मीन्स क्या होता है, बीत जाना। क्लियर है। 5 नंबर में है क्लैमिटी, और क्लैमिटी मीन्स होता है आफत या विपत्ति। क्या बोलू मैं आपको, क्या कहूं, कल जो मिली थी ना, एक नंबर की आफत थी, विपत्ति थी, एक नंबर की क्या बोलते उसको, बोले एक नंबर की मनहूस थी, यानी कि एकदम आपत्ति थी, एकदम बोले तो कल जो मिली थी मुझे रास्ते में, वो एक नंबर की आफत थी। यानी कि बोलते हैं ना, कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिसके साथ जाओ तो हमेशा गलत ही होता है, यानी कि बुरा ही होता है, तो उसको आफत बोलते हैं, पनौती बोलते हैं, ठीक है। तो वही है हमारा क्लैमिटी, कल जो मिली थी वो एकदम आफत थी, उसे दूर रहना भाई, ठीक है। 6 नंबर में है अनस्टेबल, और अनस्टेबल मीन्स होता है अस्थिर और चंचल, ठीक है। देखिए स्टेबल मीन्स होता है रुका हुआ, स्थिर, स्टेबल मीन्स स्थिर, और जो चीज स्थिर ना हो उसे अनस्टेबल कहेंगे, यानी कि अस्थिर या चंचल, यानी कि जो चीज नहीं रुकता है, जैसे कि कुछ पर्सन जो होते हैं उसके स्वभाव उसका अनस्टेबल होता है, यानी कि कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, यानी एक जगह वो नहीं टिकते, उनका जो माइंड होता है ना, इधर उधर विविड, मतलब कि अनस्टेबल होते रहता है, ठीक है। तो अनस्टेबल इट मीन स्टेबल स्थिर, अनस्टेबल मीन्स अस्थिर, ठीक है। आगे हमारा प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज, ठीक है। प्रिजुडाइज मीन्स होता है शिकायत करना,
और ये आप जरूर करोगे, 100% करोगे, गारंटी देके कर रही हूँ। अगर कोई आपकी प्रिय यानी आप जिसे बहुत चाहते हो उससे अगर आपको दूर कर देता, आप उसको शिकायत करोगे, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा तुमने किया ये बिल्कुल गलत है, यानी कि आप उसको शिकायत करोगे कि मेरी प्रिय से मुझे जुदाई मत किया है, ये अच्छी बात नहीं है। यानी प्रिजुडाइज, अगर आपके प्रिय आपसे दूर हो जाती है तो आप लोगों को शिकायत करेंगे, ठीक है। आगे हमारा है पकड़, और पकड़ में होता है सिकुड़ना। पापड़ खाए हैं? खाई होंगे, बहुत ही टेस्टी होता है, चावल दाल पे ज्यादा बेटर होता है। तो पापड़ जब हम लोग छानते हैं ना, तो मतलब कि उसको तलते हैं तेल में, तो क्या होता है वो सिकुड़ जाता है, यानी कि पाकड़, पाकड़ यानी पापड़, जैसे उसको तेल में डालेगा वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। आगे हमारा है ई फेस, और ई फेस मीन्स होता है मिटा देना, और तुम्हारा जो फेस है ना इसको मिटाओ जाके, मेकअप पोत के आगे एकदम अच्छी नहीं लग रही है, इस जो फेस तुम बना रखी है उसको जाके मिटाओ, यानी कि ई फेस जो तुम बना रखी है, जो मुंह लगाई है, बनाई है मुंह लटका के, उसको जाके ठीक करो, यानी कि इसको हटाओ, यानी ई फेस इसको मिटा दो। लास्ट है हमारा है वैगरी, और वैगरी मीन्स होता है सनकी। बैरागी लोगों को देखे है? जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, वो जो बैरागी होते हैं ना, थोड़ा दिमाग का ढीला होते हैं, जो भी बोले गलत बोले तो सॉरी उनके लिए, लेकिन उनका थोड़ा जो माइंड होता है ना अलग ही होता है, वो दुनिया से बहुत ही अलग होते हैं, और लोग उनको देख के ना उनको पागल होते हैं, लेकिन वो पागल नहीं, वो भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, यानी कि बैरागी को लोग सनकी बोलते हैं, उसका दिमाग बोले तो अच्छा नहीं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान बोले तो ऐसे पागल हो जाते हैं, जो समझ में ना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, यानी कि वैगरी बैरागी कैसे होते हैं, सनकी। अब देखिए अब कैसे आपको याद होता है, मैं इसको ना हिंदी को इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताना इसका हिंदी बिना चिटिंग किए हुए, ठीक है। चलिए मैंने इसको मिटा दिया, अब बताइए। चलिए अब मुझे बताइए, रिफाइंड बार बार ढूंढोगे तो कैसा मिलेगा, सुंदर, कैसा मिलेगा, सुंदर। आगे हमारा है सफल, चप्पल कैसा होता है, लचीला। फिर हमारा है एलियन, एलियन यानी आलिया कैसी दिखती है, विदेशी। आगे देखिए एक्सपायर, आपकी जो एक्स थी वो बीत गई, वो बीता हुआ बात था, जो आपके पास अगर आपके पास एक्स थी यानी आपके पास कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड यानी कोई भी एक्स या क्रॉस था वो बीत गई, यानी कि वो बीती हुई बात है, अभी कुछ है? नहीं है, यानी एक्सपायरी वो बीत जाना या गुजर जाना। ये क्लाइमेटिक कल जो मिली थी वो बहुत बड़ी आफत थी, ठीक है। आगे हमारा है अनस्टेबल, यानी कि जो एक जगह स्टेबल नहीं होता, रुकता नहीं, उसे क्या बोलते हैं, अनस्टेबल, अस्थिर, चंचल। आगे प्रिजुडाइज, जो अगर आपकी आपकी प्रिय आपसे जुदाई आपसे दूर हो जाएगी, आप उसको शिकायत करोगे ना कि ठीक नहीं की हो तुम, हम तुमको इतना चाहते थे तुम हमसे दूर हो गई, ठीक नहीं की, उसे शिकायत करते हैं, यानी कि अगर जब आपने अपने प्रिय से जो आपको अच्छी लगती है, जो सबसे अच्छी लगती है, उससे आप दूर होते हैं या होती है, तो क्या होता है आपको दुख होता है, और आप उसको शिकायत करते हैं, यानी प्रिजुडाइज शिकायत करना। आगे बढ़ा पाकड़, पापड़ को तेल में तलते तो कैसा हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, सिकुड़ना। आगे ई फेस, तुमने जो मेकअप करके फेस बनाया ना उसको जाके मिटा दो, ठीक है। आगे हमारा वैगरी, और जो वैगरी जो बोले तो बैरागी लोग होते हैं, थोड़ा दिमाग का सनकी होते हैं। क्लियर हुआ गाइस, कॉन्सेप्ट के साथ सीखिएगा तो जरूर याद होगा आपको, मैं अगर बोलूँ ना तो इसको आप एक बार रिविजन कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कनेक्ट करके बताया है, जब भी आपको आएगा एक्सपायर याद आएगा, एक्सपायर, एक्स जो थी वो बीत गई, यानी कि इस तरह से आप याद करिए, कॉन्सेप्ट के साथ याद करिए, आपको जल्दी और याद होगा, 100% याद होगा। ऐसे सीखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।